दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। देखिए एनएचपीसी में जब से वैशाली फारिक ने टारगेट दिए हैं दोस्तों, देखो 85 के आसपास टारगेट हमें नजर आई थी नदी के टाइम, स्टॉक 92 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आगे क्या होने वाला है, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, क्या कोई डेट है या नए शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर अपन क्लियर करने वाले हैं। तो हो जाए तैयार दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाला है। देखो भाई हर एक प्रति डे आपको एक एक वीडियो देखे, मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, ठीक है। अभी के टाइम अगर आप देखोगे दोस्तों टोटली हमें कंसोलिडेट देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉजिकली देखोगे ना दोस्तों, तो आपको पता है चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के फर्क कोई भी यहाँ पे निश्चित नहीं कि क्या होगा। तो अभी के टाइम देखो चुनाव से पहले ये वोलेटिलिटी हमें नजर आ रही है। खासकर आप एक बार पूरे जो यहाँ पे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट वाले पीयूएस स्टॉक है, चाहे पावर के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे डिफेंस के हो, चाहे फार्मा के हो, चाहे किसी भी सेक्टर के स्टॉक हो, उठा के देखो क्या किसी में कोई बाउंस बिल्कुल भी नहीं। टोटली सब अभी के टाइम आप देखोगे तो कंसोलिडेट जोन में ही देखने को मिलेंगे। तो देखो जब भागेंगे एक साथ भागेंगे, एंड आपको मैंने पहले भी कह रखा है भाई एनएचपीसी जैसे स्टॉक के अंदर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, क्योंकि जो पैसा बनेगा ना भाई वो लॉन्ग टर्म व्यू में ही बनेगा। शॉर्ट टर्म में तो आप थोड़ा सा पैसा कमा लोगे बट इतना पैसा नहीं बनेगा। तो टोटली जिस सिचुएशन में अभी के टाइम भाई ये मिल रहा है, ये बेस्ट मौका है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा अराउंड 1-1.5 साल 2 साल का व्यू रखते हैं, तो यहाँ से किसी को ब्याज मिलने से यहाँ पे एफडी कराने से अच्छा है कि आप एक अच्छे स्टॉक को पिक करो एंड वहां पे आप पैसा डाल दो आने वाले वक्त के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखो मेन चीज आपको समझना पड़ेगा अभी के टाइम डाटा क्या कह रहा है, क्या कितना देखो यहाँ से कितना कंसोलिडेट करेगा। दूसरी चीज देखो आज स्टॉक ने हल्की सी गिरावट दिखाई है, जबकि मार्केट में आपने देखा है अराउंड 1% मार्केट आज हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। मार्केट की गिरावट के पीछे वजह है, मार्केट ऐसे नहीं गिरा है। पहली चीज आपको पता है मार्केट हाई लेवल पे भी ट्रेड करा, मतलब अपने बाउंड वीक हाई पे बिल्कुल करीब, मतलब बाउंड वीक हाई से ही गिरा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा पॉइंट हमारा है यूएस के यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा। तो यूएस का दोस्तों Q4 का जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है उसमें यहाँ से कुछ खास नहीं दिखा, और यहाँ से कुछ पॉजिटिव वहां से नजर नहीं आए, टोटली नेगेटिव आए। इस वजह से वहां के तो मार्केट गिरे ही है, साथ में वहां के दबाव के अकॉर्डिंग अपने मार्केट भी यहाँ पे गिरे हैं, तो ये इस वजह से गिरा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम समझते हैं डाटा चल क्या रहा है अभी के टाइम। देखो दोस्तों वॉलिटिलिटी फुल है एंड वॉल्यूम भी अभी के टाइम बिल्कुल डाउन है। 4,84,00,000 शेयर आज हमें टोटल वॉल्यूम में नजर आए, 115 के आसपास के स्टॉक के बाउंड वीक आए, जो कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ही ब्रेक होंगे। ब्रेकआउट मिलेगा Q4 के आसपास, जब यहाँ से देखो Q4 का रिजल्ट, इलेक्शन, इलेक्शन के बाद का बजट, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट हमारे लिए रहेंगे, तो इनका हमें पूरा ध्यान रखना है। पहली चीज बता दूं डिलीवरी कितनी उठाई जा रही है, डिलीवरी अभी के टाइम शो नहीं हो रही। एक बार हम इसको यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, क्या पता है इसके बाद यहाँ पे शो हो जाए। तो टोटली अभी के टाइम आप देखोगे दोस्तों एमओ के अंदर आपको 48 जो शेयर है, मतलब 48,000 जो शेयर है वो अभी के टाइम आपको सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। डिलीवरी शो हो चुकी है, तो अभी के टाइम आप देखेंगे 38%, जो कि दोस्तों जबरदस्त यहाँ पे डाटा है। 38% का मतलब है दोस्तों देखो अभी के टाइम डिमांड है स्टॉक की। अगर रिटेलर्स ही बाई करेंगे ना भाई, 20% प्लस को रिटेल जो डिलीवरी कभी नहीं जाती, अगर रिटेल ही पैनिक, मतलब रिटेल यहाँ पे पिक कर दा। तो रिजल्ट का डाटा थोड़ा समझता हूँ मैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, कोई अनाउंसमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो अभी तक तो दोस्तों रिजल्ट की डेट तक भी नहीं आई, रिजल्ट की डेट के, रिजल्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट नहीं हुआ है, तो चांस है कि रिजल्ट की डेट भी अभी के टाइम पता नहीं चलेगी। तो आप देख सकते हो रिजल्ट डेट अभी तक आई नहीं है, एंड यहाँ से रिजल्ट डेट आते ही हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों आंकड़े अभी के टाइम देखोगे, देखो न्यूज तो कोई है ही नहीं कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे हमें वोलेटिलिटी नजर आई, ऐसा कोई अपडेट नजर नहीं आ रहा है। टोटली यहाँ पे स्टॉक मार्केट, देखिए मार्केट का भी थोड़ा बहुत हाथ रहता है, जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है ना तो मार्केट जिस दिशा में लेके जाता है स्टॉक उसी दिशा में जाता है। देखो मार्केट में क्या होता है, गिरावट कई प्रकार की होती है। देखो नॉर्मली कंसोलिडेट वाले गिरावट होती है जस्ट मार्केट को रिएक्ट करता है, दूसरी गिरावट होती है पैनिक गिरावट, इमोशनल गिरावट जिसको हम कहते हैं कि लोग सोचते समझते नहीं, ये नेगेटिव मान के चलो अभी के टाइम कोई अपडेट आ गया कि एनएचपीसी शेयर के अंदर यहाँ पे इल्जाम लगा है कोई सेबी ने, मतलब यहाँ पे जो आपकी, मतलब यहाँ पे छापा पड़ा है, ऐसा कुछ अपडेट आ जाए तो क्या होगा, लोग जल्दी से बेचेंगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो वो क्या पैनिक गिरावट बिना सोचे समझे, बट उसी के अगले ही दिन यहाँ पे समझदार लोग वापस खरीद के सही लेवल पे स्टॉक को ले आएंगे। तो हमें ओवरऑल एक चीज समझना ही है कि किसी भी तरह कुछ भी हो स्टॉक जाएगा ऊपर ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है एंड यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ग्रो करेगा तो स्टॉक भी भाई ऊपर ही जाएगा। पिछले 1 साल पहले भी लोग यही कह रहे थे कि IRFC 50 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, सॉरी आपका NHPC 50 का लेवल नहीं तोड़ेगा, बट देख लो 50 स्टॉक 115 तक के लेवल भी छू चुका है। तो ये है लॉन्ग टर्म की ताकत। तो व्यू SJVN वगैरह है टोटली इनमें प्रेशर रेटेड में आप देख लीजिए कोई बड़ी तेजी नहीं है। NHPC में देख लीजिए, NHPC दोस्तों आज हल्की सी जो गिरावट उसके अंदर हमें क्लोज होता देखने को मिला, एंड यहाँ से डाटा को समझे दोस्तों कि आगे क्या होगा। तो ओवरऑल देखा जाए RSI के टाइम
56 का ट्रेड कर रहा है, मतलब RSI 56 पे एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका हमें बन रहा है। एंड कंटिन्यू देखो, अभी के टाइम ये चार्ट पैटर्न क्या बता रहे हैं। देखो, जब ये स्टॉक यहाँ से गिरा था, उठा था, मैंने क्या कहा था कि ये कंसोलिडेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बड़ी रैली हमें नजर आ चुकी है, तो ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यू यहाँ से ये भागता रहेगा। ये कोई छोटे मोटे मार्केट वाला या कोई ऐसा पेनी स्टॉक नहीं कि इतना ये भाग जाए, कॉर्पोरेट इतना गेम खेल लेगा। टोटली अभी के टाइम जो पैटर्न है वो ये बन रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ से उठा था, गिरा है, उठा है, हल्का सा गिरेगा, फिर से उठेगा, फिर से गिरेगा, फिर से उठेगा, ब्रेकआउट देगा, उसके बाद यहाँ से ले लिया ये। तो ओवरऑल अगले अगले 1 या 1.5 मंथ तक ये टोटली वेट करा सकता है, Q4 के आंकड़ों तक। उसके बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद यहाँ पे बजट, तो बड़े इवेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अभी के टाइम जल्दबाजी नहीं करना, लॉन्ग टर्म वाले हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट का मौका भी करंटली ढूंढ सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी, ताकि अपडेट्स